दिल्ली के एक आदमी को झूठे केस में फंसाकर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, लेकिन तब वो आदमी इसका बदला इस तरह से लेना चाहता था कि जिस पुलिस वाले ने उसे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला है वो पुलिस वाला उसे सलाम ठोके। इसीलिए उस बंदे ने जेल में रहकर आईएएस बनने की ठानी और आईएएस बन भी गया। कौन है वो आदमी और उसके साथ क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। दिल्ली के रहने वाले अमित राय को साल 2003 में एक झूठे रेप केस में फंसाया गया, जिसके चलते उन्हें 10 साल की सजा हुई। अमित कोर्ट में बार बार ये गुहार लगाते रहे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और उन्हें फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक भी ना सुनी। अपने साथ हुई नाइंसाफी और धोखे ने उनके अंदर आग लगा दी थी और उन्होंने जेल की ही लाइब्रेरी से किताबें लेकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। और साल 2008 में जब अमित ने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो उन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। और साल 2009 में जब रिजल्ट आया तो अमित आईएएस बन चुके थे। उधर हाई कोर्ट में चल रही अपील पर कोर्ट ने अमित की बाकी बची हुई 5.5 साल की सजा भी माफ कर दी थी और अमित को देश की सेवा करने का मौका दिया था। अगर हर बड़ी में किसी दिन आपका पैर रेलवे ट्रैक के बीच फंस जाए तो आप क्या करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, कई बार रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के चक्कर में लोग हड़बड़ा जाते हैं। ऐसे में अगर गलती से आपका पैर दो रेलवे पटरियों के बीच फंस जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में आप 139 पर कॉल करके रेलवे कर्मचारियों से मदद मांग सकते हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से मदद मिलने तक आपको आसपास के लोगों की मदद लेनी चाहिए और उन्हें आपसे कुछ दूरी पर लाल झंडा दिखाने को बोलना चाहिए। अगर आपके आसपास किसी के पास लाल झंडा नहीं है तो किसी की पहनी लाल शर्ट या टी शर्ट को झंडे के तौर पर इस्तेमाल करने को कहिए, जिसे देखकर ट्रेन का ड्राइवर स्पीड को कम कर देगा, जिससे ट्रेन आप तक पहुंचने से पहले रुक जाएगी। और फिर रेलवे हेल्पलाइन से मदद करने आए रेलवे के कर्मचारी फंसा हुआ पैर निकालने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपकी जान बच जाएगी। इसे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये नॉलेज लोगों तक पहुंच पाए। ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हरा कर ये साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फक्र से ऊंचा किया। मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे। तो पापा ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, सब बिजी है। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स, एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते।